मैं आपके आज का समय एकदम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आप ही सीधा टॉपिक पे चला जाता हूँ। हमने जो सुना कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी आवेदन बंद कर दिया गया है, तो इसलिए मैं चला आया एसएससी की मेन जो वेबसाइट है वेबसाइट पर। अभी वेबसाइट से मैं आपको बोलूंगा कि क्यों हो गया है एसएससी का फॉर्म बंद, फिलहाल बंद, क्योंकि एसएससी जो पीडीएफ है आपका एसएससी के आने के बाद आप सीधा ही एकदम सामने ही देख सकोगे। ये पीडीएफ में मैं पीडीएफ के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। पीडीएफ क्लिक करने के बाद सीधा सीधा लिखा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो लिंक है या उन लोगों ने बोल दिया कि एप्लीकेशन कॉन्स्टेबल जी डी सी आर पी एफ एन आई एस एफ, इसमें यही लिखा है कि मैं आपको इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि जो उनका जो अपडेट उनका जो फॉर्म का जो अपडेट था, मतलब फॉर्म जो स्टार्टिंग फॉर्म था वो था 21 से 21 के बाद उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ टेक्निकी खराबी के बाद। उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग 26 से फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी इतना ट्रैफिक हो गया उनका वेबसाइट में, इसीलिए जो उनका वेबसाइट है ये बंद पड़ गया। अभी जो एसएससी वाला है, एसएससी इंडियन आर्मी और नेवी के मिल के ये नया एक वेबसाइट बना रहा है, जिसमें वेबसाइट में ये जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को जो अभी फॉर्म फिलअप जो शुरू हो जाएगा ये हो जाएगा 17 अगस्त से अभी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा 10 बजे से, और यही फाइनल डेट है 17 अगस्त पे। आप इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो आपको जो स्लो है अभी जो नेटवर्क चल रहा था वो बहुत ही धीरे चल रहा था, उन लोग एसएससी ने सीधा सीधा बोल दिया कि देखो भाई अगर आप 1 किलो वजन लेके जा सकते हो तो ठीक है, उसके बाद आपको 1 क्विंटल दिया जाए आपका वजन तो आपके लेके जा सके। ऐसे ही हो गया है क्योंकि काफ़ी साल से 3-4 साल से जे को नहीं आ रहा है एसएससी का रिक्रूटमेंट, तो इसीलिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए इतना ट्रैफिक हो गया वेबसाइट के, जिसके कारण आप भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें बहुत दिक्कत आ रहा था। तो फ्रेंड इसी को बोलने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ गुड नाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक ठोक देना।